3500 ट्रैक्टर है 58 HP का, इसके पंप में आवाज़ आ रही थी, खटखट खटखट कर रहा है, तो हम ये इस पंप को भी रिपेयर करा जा रहा है और जो जो हुआ है आपको बताएंगे हम, इसके अंदर क्या क्या तकलीफ आ चुकी थी ये आपको बताने वाले हम, देखना भी करके बताएंगे, दोनों काम बताएंगे। इसमें जो आवाज़ आ रही थी खटखट की, उसके लिए हमने क्या करा है कि ये बूट डाला है, ये वाला बूट डाला है, देखिए ये बूट ऐसा डाला हमने, ये नया बूट डाला अभी, और इसके अलावा एक और प्लेट है वो भी बताएंगे आपको हम। एक बूट तो हो चुका है, दूसरा बूट ये है, दोनों प्लेटों के बूट चेंज करना पड़ेगा, खटखट की आवाज़ बंद हो जाएगी आपकी। इसके अलावा ये पितल वाले जो बूट है ये भी होल्डिंग कर रहे थे, इसकी वजह से भी आवाज़ आ रही थी ज़्यादा, ये भी चेंज करना पड़ेगा, दोनों बूट ये भी चेंज कर दी हमने। अब इसकी वाइब्रेशन जो हो रहा था पंप के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा और खटखट जो आवाज़ आ रही थी वो बंद हो जाएगी, अब आवाज़ नहीं करेगा। इस पंप को हम रिपेयर कर रहे हैं और कस रहा है, अब इसको आपको कसता हुआ बताएंगे हम अभी। कंट्रोल वाल्व को देखिए आप, उल्टा और सीधा कैसा है, ये रहेगा ऊपर किस्से पे, ये रहेगा नीचे किस्से पे, इसको हम पंप उल्टा रख रखा है इस वक्त उन्होंने, इस हिसाब से डलेगा ये वाल्व, कंट्रोल वाल्व आपको इसे डालना है इस वाल्व को, और आसानी से पंप को जाना चाहिए हल्के हल्के हाथ से। ये रहेगा कंट्रोल वाल्व आपका मुकाम पर पहुँच चुका है ना, हाँ बोरिंग लगा रहे हैं यहाँ पे, ये बोरिंग लग चुकी है, बोरिंग के बाद ये वाइसर लगेगा, ऐसे ही लगा था ना वाइसर को, इसके बाद लगेगा वाल चैम्बर किट लगेगा, ये वाटर वाल चैम्बर किट को चेक करके लगाना, इस वक्त लगाना चेक हो चुका है, इसको सही तरीके से देखिए, और इसका उल्टा सीधा का ध्यान रखना, ये साइड जो है ये ऊपर साइड में रहेगी और ये नीचे साइड में रहेगी, ये लग चुका है। इसके बाद आपको ये बूट डालना है, बिना कलर वाला बूट डालना है आपके वाला, इसका कलर भी रखिए, इसके बाद में आपको शाफ्ट डालनी है, इसको किरण शाफ्ट बोलते हैं। एक चीज़ और थे बेटा वाइसर का, ये वाइसर भी आपको बीच में फंसाना है, जब डालते समय में भूल मत जाना इसको, बैठा दो ना इसको झटके दे के अंदर चल जाएगा। फिर ये वाला इसमें बूच, ये बिगर कलर का है, ये कलर वाला है, तो बिगर कलर का था, इसमें एक तरफ कलर आएगी, इसको इस पोजीशन से फिटिंग करना है आपको, ये लाकर पत्ती इसमें बैठना चाहिए, ये साथ पेट्रोल ला दो बेटा, गाड़ी ये बूट पूरा बैठ चुका है, ये बूट पूरा बैठने के बाद इसे घुमा के देख लेना, फिर घूम रहा है कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको प्लेट टोकनी है, प्लेट की वरिंग चेक करनी चाह रहा हूँ, वरिंग का बेटा इसकी फाड़ दो बेटा, वरिंग बंद कर दे बेटा, अपना कंट्रोल बैठ चुका है, ले बेटू साहब पता उसके आपका पंप फिट हो चुका है, ये रही।